हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना आदिल खान दुरानी। मुझे और दिल खोल के कुछ आप लोगों को बताना था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का सेंटेंस आया है कि 4 हफ्ते में राखी को सरेंडर करना है, मुझे बहुत सारे अपने दोस्तों ने, बहुत सारे मीडिया के मेरे दोस्तों ने और उसके तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन कर करके बोला, अभी बस करो आदिल, हो गया, इसको ख़त्म करो। आपको भी 5 महीने की कई दुश्मनें दिए थी, आपने भी उसको देश छुड़वा के 5 महीने से बिठाया और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई है। उसके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वांदे हैं और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको भी बार बार बताने की कोशिश करते दूसरे लोगों से, आप नहीं सुन रहे हो, बस करो इसको। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजते थे कि बस करो, ख़त्म करो, मुझे माफ़ करो, ऐसे सब चीज़ें होती थी। तब जाके मैंने, साहिब भाई ने, हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि बस करते हैं इसको और अब हम इस मैटर को अपोज नहीं करते हैं। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, सज़ा मिलेगी, बेल मिलेगी, हमें लेना देना नहीं है। हम इसको अपोज कि हम लोग इस चीज़ को अपोज करना बंद करते हैं। जब हम लोग अपोज करते थे, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल नहीं दी, सेशन कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने 2 बार बेल रिजेक्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बेल रिजेक्ट की, दोबारा हाई कोर्ट आई, दोबारा बेल रिजेक्ट हुई, हम हर बार अपोज करते थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम ठीक है, हम अपोज नहीं करेंगे। ये 4 हफ्ते जब वो आएगी उसको हम बिल्कुल भी अपोज नहीं करेंगे, उसको आने दो, जो मर्जी करने दो। तब जाके अभी वो आई है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस मीडिया के द्वारा या मेरे इंस्टाग्राम के द्वारा, इसको जो भी कोर्ट का फैसला है, सज़ा है, जो है, बेल है, कोर्ट में देखते हैं। आप एक एंटरटेनर हो, मैं एक एंटरटेनर हूँ, हम अच्छा कंटेंट देंगे इस समाज को, इस लोगों को। मुझे आपके बारे में कोई नहीं बात करना, आप भी मेरे बारे में नहीं बात करो। अगर आपको मेरे बारे में ही बात करके ज़िंदगी जीना है, मेरे नाम से फुटेज लेना है, मेरे नाम से ही आपको ज़िंदगी करना है, तो आप कर सकते हैं जो आप यूजुअली करते हैं। मुझे कोई ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। आप एक एंटरटेनर हो, अच्छी ज़िंदगी करो लोगों को एंटरटेन करके। मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी कर रहा हूँ लोगों को एंटरटेन करके। मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी मेरी बीवी के साथ गुजार रहा हूँ। आप जिसके भी साथ आपकी ज़िंदगी गुजारना है, किसके भी साथ आपको रहना है, आप रहें। जो भी हमारा लीगल बैटल है हम कोर्ट में देखेंगे। आप भी मुझे कोर्ट में देख लो, मैं भी आपको कोर्ट में देख लूँगा। कानून है न्याय देने के लिए। लोगों में आके कुछ भी गंदगी नहीं करते हैं, लोग तंग आ चुके हैं सब चीज़ों से। मेरी ऑडियंस, मेरे लोग, मेरे चाहने वाले मुझे मेरा अच्छा साइड देखना चाहते हैं, जैसे आपकी ऑडियंस भी यही देखना चाहती है करके मुझे उम्मीद है पूरी। तो आज के बाद आप मेरे बारे में मत बात करो, मुझे भी आपके बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। जय हिंद। थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग मी आउट, इतना सारा मुझे हर हमेशा प्यार देने के लिए। और बहुत सारे लोग जो भी मुझे रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे उसको माफ़ करने के लिए, तो उनके लिए ये रहा मेरा जवाब। थैंक यू गाइस।